गोमिया में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर साडम स्थित भाकपा कार्यालय में गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं व आम ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक के बाद भाकपा नेता सह झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद ने डीवीसी कमांड एरिया में पिछले करीब एक माह से किए जा रहे लोड शेडिंग से उत्पन्न कठिनाइयों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि डीवीसी लोड शेडिंग के तहत बिजली की कटौती को बंद करे, नहीं तो ग्रामीण सड़क पर उतरेंगे। कहा, डीवीसी का गठन का मूल उद्देश्य कमांड एरिया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, किंतु बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रबंधन ने कॉरपोरेशन के मूल्य उद्देश्य को दरकिनार कर दिया, जो न्याय संगत नहीं है। कहा, बिजली की कटौती से आम जनजीवन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा, लोड शेडिंग के कारण आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव तो है ही, पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई, ठंड के कारण लोग बंद कमरों में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति रोक कर अंधेरा कर देना आपराधिक कृत्य है। पूर्व मुखिया मालती देवी ने कहा, पूर्व की सरकार के समय से बिजली का पैसा बकाया चला रहा है, उस समय कड़ा रुख नहीं अपनाया गया। झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया। अब जब राज्य के विकास में सिंगल इंजन की सरकार है तो बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी प्रबंधन मानवाधिकार को भी दरकिनार कर दिया। मौके पर अनवर रफी, सानी रजा, दिलगर केवट, रंजू देवी, सकीला वानो सहित दर्जनों महिला व पुरुष उपस्थित थे। लाइन नहीं रहने के कारण मेरा पंचायत पूरा प्रखंड में ही पानी में दिक्कत हो रहा है, पानी के में दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग की पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। ये तो कोरोना काल से 2 साल से स्कूल नहीं चल रहा है और लड़का बच्चा लोग का लाइन के कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ठीक से। लाइन नहीं रहने के कारण पानी नहीं चल पा रहा है, चापाकल का पानी अभी मजबूरी से पीने पड़ रहा है आदमी लोग को। इसके लिए क्या करना चाहते हैं आप लोग? इसके लिए हम यही गुहार लगाना चाहते हैं, हम लोग नहीं अथी करने पर सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मालती देवी। पूर्व मुखिया मालती देवी जी, बताइएगा बिजली का क्या समस्या है गोमिया में? बिजली का भारी समस्या चल रहा है। उत्तरी छोट नागपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत बोकारो जिला भी है, और बोकारो के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, ये सारे जिले आते हैं उत्तरी छोट नागपुर में। तो उत्तरी छोट नागपुर डीवीसी का कमांड एरिया में आता है, यानी डीवीसी को ही बिजली आपूर्ति करना है। डीवीसी के गठन का उद्देश्य भी यही रहा है कि घाटी के क्षेत्र में का विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास करना। अभी जो है डीवीसी कुछ लेन देन राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार के साथ लेन देन में जो इसका बकाया चला आ रहा है उसके लेकर के ये लोड शेडिंग किए कर दिया है। और लोड शेडिंग थोड़ा बहुत नहीं, 3 बार कम से कम ही करते हैं, 2.5 घंटे का, रात में भी कर देते हैं। अगर ये मतलब कि तो महाजन जैसा व्यवहार कर रहा है, जो सामंत जैसा, जो सामंती काल में सामंत लोग करते थे, उस ढंग का ट्रीटमेंट हो रहा है डीवीसी का। डीवीसी का आज का बकाया नहीं है, बकाया पहले से चला रहा। जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त ये अगर प्रेशर बनाए रहते, इतने कड़े तेवर का इस्तेमाल किए होते तो आसानी होता है इनको बकाया वसूलने में, ताकि उस टाइम डबल इंजन विकास के डबल इंजन काम कर रही थी राज्य में। अभी तो सिंगल इंजन की सरकार है, अब इसमें ये बहुत ज़बरदस्त तेवर बना दिए हैं, और तेवर ऐसा बनाया है कि रात में भी जो है अंधेरा कर देते हैं। अब रात में तो मानवीय अधिकार का हनन हो रहा है, एकदम आपराधिक कृत है। देखो, ठंडा का मौसम है और ठंडा के मौसम में आदमी खुले में रह नहीं सकता है। जिसका PMAY का आवास, इंदिरा आवास है या छोपड़ा, एक रूम का घर है, वो भी कमरा का दरवाज़ा बंद रखता है। अब फैमिली में बच्चे हैं, बूढ़ा है, कोई लाठी लेकर चलता है, अब उसको 2 घंटा 2.5 घंटा आप अंधेरा में रखिएगा तो ये यात्रा है कि नहीं है? कम्प्लीटली यात्रा है, आपराधिक कृत है कि आप उसको अंधेरा में रहने के लिए बंद कर रहे हैं। और ये स्थिति पिछले 1.5 महीना चली आ रही है। आर्थिक गतिविधियां, व्यवसायिक गतिविधियां, ये सब तो डिस्टर्ब है। इसके लिए आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं कि आपराधिक काम आप कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? स्थिति नहीं है कि आप नहीं बिजली दिएगा तब कहीं से ले लेंगे? कानून तो यही है कि आप ही को बिजली देना है, आप ही सबको बिजली लेना है। तो आप जो जनता को कहते हैं किसी विवाद में कि न्यायालय जाओ, अभी अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कंपनसेशन के लिए अगर रोड जाम करेंगे तो ये प्रशासन बोलेगी कि भाई अदालत जाओ, अदालत से अवार्ड करा के लाओ, पैसा मिलेगा। ये मैनेजमेंट जो डीवीसी का है ये भी कहते हैं कि कानून ट्रिब्यूनल में चल जाइए। तो इनको जो है इनका बकाया है तो इनको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, विद्युत नियामक आयोग बना हुआ है वहाँ जाना चाहिए कि भाई आप दो पैसा।
आप ये नहीं ना किसी को आप बंद कर दीजिएगा। अरे बंद किए हुए है, बार बार कह रहा। अब एक सवाल रहता है कि भाई जनप्रतिनिधि लोग आवाज उठाते हैं, तो जनप्रतिनिधि लोग आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे सब बात नहीं है, पूरा उठा रहे हैं है। लेकिन इनकी जो है अड़गल रवैया बिल्कुल इनका करेक्टर लोकतंत्र वाला नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद डीवीसी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास घाटी क्षेत्र करना, लेकिन उसके प्रतिकूल आचरण हो रहा है, बहुत तकलीफ है। इसके लिए आप लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम? हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी कह दिया है कि सिगरेटी को और एनर्जी सिगरेटी को चाहिए कि अगर वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहा तो आप कम से कम जाइए, आपको जा करके बोलना चाहिए अदालत में कि कमांड एरिया में उसी को बिजली देना है। उनका पैसा तो बाकी है, ठीक है, पैसा किसी के पास व्यक्तिगत बाकी नहीं ना है कि उसको आप उठा के जेल में डाल दीजिएगा। जेल में डालने की बात होती तो आप एक व्यक्ति को जेल में डाल देते, लेकिन संस्था के पास बाकी है, एक संवैधानिक संस्था के पास मिलेगा पैसा, उसी के अंतर्गत आप भी है वो भी है इसी देश के अंदर में, तो उसके लिए आप जनता को उत्पीड़ित क्यों कर रहे हैं भाई? आज जो है स्थिति ये हो गई है कि जनता लक्ष्य नहीं है, जनता का कल्याण लक्ष्य नहीं रह गया, बिजनेस लक्ष्य हो गया है डीवीसी का। हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पर उतर जाएंगे एक सप्ताह और एकदम जाम कर देंगे चक्का इनका। हमारे यहाँ दो को थर्मल पावर इनका चलता है, बोकारो थर्मल में, चंद्रपुरा में। और ये पासपोर्ट के लोगों को भी नहीं पासपोर्ट समझ रहे हैं, बोकारो थर्मल के आसपास के इलाका हो, चंद्रपुरा का आसपास के इलाका हो, बोकारो जिला है, कम से कम जिला को तो अपना समझिए। तीन में इस वक्त उसे भी नहीं है भाई डीवीसी वालों में। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा इफ्तिखार महमूद नाम हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है और झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। झारखंड बनाने में हमारी भूमिका रही है, डीवीसी को बिगाड़ने में भी हमारी भूमिका हो जाएगी। कटौती कर रही है, ये घोर अन्याय है इस क्षेत्र में। बोकारो जिला के लोग ही नहीं और दूर दूर के जिले के लोग भी परेशान हैं। बिजली से बहुत सारे चीज का गुजर बसर होता है, बिजली नहीं रहने से हमारे बच्चे लोग की पढ़ाई तो एकदम चौपट हो ही गई है कोरोना काल में। और जो शाम को बच्चे लोग अपने घर में किताब निकाल के थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते थे, उससे भी वंचित हो गया बच्चे लोग। तो डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अधिक से अधिक लोग सड़क में उतर के इनको हम इनके फैक्ट्री को जाम करेंगे, इनके गेट को जाम करेंगे डीवीसी को। क्या नाम है आपका? मेरा अनवर रफी, प्रखंड सचिव है कम्युनिस्ट पार्टी के।